फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश मालका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप जो है 498 के केसेस में ऑडियो या वीडियो एविडेंस जो है कोर्ट में पेश कर सकते हैं। देखिये, एविडेंस जो है एक आरएम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट है, उसमें एविडेंस के बारे में बताया गया है। उस जजमेंट में यह बताया गया है कि टेप रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब एडमिसिबल एज एविडेंस है। ये एक डॉक्यूमेंट के रूप में जो है आप प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, दो टाइप के एविडेंसेस होते हैं, एक हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक हो गया ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो भी अगर कोई एग्रीमेंट किसी दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, कोई भी एग्रीमेंट हो गया, वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाता है। और ओरल एविडेंस अगर कोई मर्डर का केस है तो वहां पे जो है जिसने भी देखा वो मर्डर, वो ओरल एविडेंस के कहलाता है। अब देखिए, अब जो वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग, जब हम 498 ए के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो 498 ए में जो ओरल एविडेंस में तो जो लड़की के साइड के विटनेसेस आ जाते हैं और आपके जो है आपके साइड के विटनेसेस आ गए, पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आप जो है वीडियो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है प्रस्तुत कर सकते हैं कोर्ट के सामने। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप ये जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग जो है कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात जैसे कर रहा हूँ कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में अगर वाइफ ने ये बार बार थ्रेट करते हैं या वाइफ के पेरेंट्स जो है आपको बार बार थ्रेट करते हैं कि हम जो है आपको इस केस में डाल देंगे, इस केस में फंसाएंगे, फिर तुम पछताओगे, या ऐसे करके कुछ धमकी देते हैं आपको, तो वो एक तरीके से एक एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे आ जाता है। वो एक रेलिवेंट फैक्ट को जो है उजागर करता है। अब जनरली क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है, जनरल आर्ग्यूमेंट चल रही है, वो एक रेलिवेंट एविडेंस जो है 498 के कंटेक्स्ट में नहीं होगा, वो डिवोर्स केस के कंटेक्स्ट में जरूर रेलिवेंट हो सकता है। पर 498 में क्या होता है, दहेज उत्पीड़न और उसके बाद जो है हैरेसमेंट। अगर सपोज लड़की ही आपको दबाव बना रही है कि मैं केस कर दूंगी अगर आपने ये नहीं किया, या उसके जो घर वाले हैं वो आपको जो है हैरेस करते हैं, तो उसकी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर आपने रखी है अपने पास, तो वो आप एक ये एडमिसिबल एविडेंस जो है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सकते हैं। बट देखिए, तीन चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है कि ये एविडेंस होने से पहले तीन चीजें आपको करनी पड़ेगी। एक तो होती है रिलायबिलिटी, रिलायबल है या नहीं है, रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी। देखिए, रिलायबिलिटी पे आप ये हो सकता है कि जो रिलायबल है या नहीं है वो तभी होगा, एक उसके साथ जब आप 65B का सर्टिफिकेट लगाएंगे। 65B का सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता, वो एक जिसने वो रिकॉर्डिंग किया उसका एक अंडरटेकिंग होती है कि उसके पास ये एविडेंस था, उसने ये एविडेंस कैप्चर किया, उसे रिकॉर्ड किया और उसे CD में डाला और उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई, बस इतनी सी अंडरटेकिंग होती है। तो ये रिलायबिलिटी का एक प्रूफ होता है कि ये एविडेंस रिलायबल सोर्स से आ रहा है, ये कहीं से मतलब टैम्पर नहीं हुआ हुआ या कहीं और से नहीं आ रहा, तो ये रिलायबल सोर्स से आ रहा है, उसका ऑथर का पता है और रिलायबिलिटी उससे एस्टेब्लिश हो जाएगी। रेलेवेंसी मैंने अभी एक एग्जांपल देके बताया कि 498 में कैसा एविडेंस आपको चाहिए, अभी पीछे मैंने अभी बताया 498 में दहेज उत्पीड़न और उसके लिए में हैरेसमेंट, तभी आप जो है रेलेवेंसी का जो है प्रूफ आप दे पाएंगे कोर्ट को। और एक हो गया एडमिसिबिलिटी, एडमिसिबिलिटी में ऑथेंटिसिटी ऑफ द एविडेंस काम आई, ऑथेंटिक है या नहीं है, यानी वो एविडेंस कहीं टैम्पर तो नहीं किया गया, किसी ने छेड़खानी तो नहीं की, क्या पता दो क्लिप को ज्वाइन करा या पूरी क्लिप प्ले नहीं की, आधी क्लिप कट एंड पेस्ट करके जो है एक एविडेंस कोर्ट के सामने रख दिया, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑथेंटिसिटी का। फिर जो है वॉइस रिकॉर्डिंग, क्या पता उस लेडी की ना हो, किसी और की सिमिलर वॉइस हो, ये भी हो सकता है, तो बहुत सारे जो है इसमें टैम्परिंग का भी मुद्दा आ जाता है। तो ये तीन चीजें अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो वो एविडेंस जो है प्रूव हो जाएगा, और उसे प्रूव्ड कहते हैं। जब वो एविडेंस प्रूव हो गया तो वो जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ा जाएगा, जज उसे जो है अप्रिशिएट करेगा और उसके बेसिस पे जो है डिसीजन अपना जो है निर्णय सुना देगा। तो ये रहा एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि वीडियो एविडेंस, ऑडियो एविडेंस कैसे जो है रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसे कोर्ट के समक्ष जो है प्रेजेंट करते हैं, 65B की अहमियत और तीन ऐसी चीजें जो एक इम्पॉर्टेंट इस एविडेंस में जो है
इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रोल प्ले करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे वीडियोस में बताता रहूँगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो डाउट हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।